ओके, हैव यू सॉल्व द लास्ट वन? जो मैंने कल आपको एक टेबल दिया था उसका लास्ट पार्ट रह गया था हमारा सॉल्व होने वाला, आपने वो किया? जस्ट अ मिनट, मैं निकाल लूं टेबल जहां से मैंने दिया था. सो डैट वॉज पी, फॉस्फोरस था, उसके आपने न्यूट्रॉन्स बताने हैं, प्रोटॉन्स आपको 15 गिवन है, देन यू हैव टू टेल इट्स इलेक्ट्रॉन आल्सो, ओके, देन विद द मास नंबर ए आपको गिवन है 31, और जेड आपने निकालना है. ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट रह गया था हमारा सॉल्व करने वाला, तो पहले वो कर लेते हैं. यस पनिका, पनिका व्हाट आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा? 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 16 16, ओके, क्योंकि एटॉमिक नंबर गिवन है आपको 31, तो 31 में से आपने 15 माइनस कर देना है, डैट विल बी गिविंग यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो इट विल बी 16. ओके, नेक्स्ट दिया, मैम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 15. बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे बोथ आर सेम, तो ये भी 15 होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं प्रोटॉन्स के तो जेड विल बी इक्वल टू 15 आल्सो. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? अब एक और टेबल करते हैं टुडे आल्सो फॉर द रिवीजन पार्ट. मैं आपको फिर से एक आज टेबल देती हूँ, हमने फिर वो टेबल कंप्लीट करना है. ओके, चलिए सबसे पहले आई विल बी राइटिंग द एटॉमिक नंबर्स हियर. ठीक है, तो जेड लिखते हैं पहले, देन आई विल बी राइटिंग द मास नंबर ए, देन आई विल बी राइटिंग द न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड इन द लास्ट यू हैव टू टेल द नंबर ऑफ एटॉमिक स्पेशल ऑल्सो, कि कौन सा एटम है ये एटॉमिक स्पेशल. ओके, 9, 16, 1, 2, 3. थर्टी टू, 24, 2, 1, 10 and 0, 1, 2, 3. 0, 12, 1, 1, 10 सल्फर, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखे मैंने, दे ऑल आर डैश्ड एंड 0. ओके, एंड फॉर द लास्ट सल्फर, बाकी सारे आपने प्रिडिक्ट कर. चलिए बेटा, दिस इज अ टेबल डैट यू हैव टू सॉल्व. जस्ट रेज योर हैंड्स व्हेन यू आर डन. ठीक है, जब हो जाएगा आपने हैंड रेज करने हैं. यस अर्शप्रीत, फॉर द फर्स्ट वन दिस सीरीज, अर्शप्रीत अर्शप्रीत, यस मैम. हाँ जी बेटा, चलिए यहाँ पर बताइए क्या आएगा ए की जगह? 19. 19, क्योंकि ए जो है वो आपको न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्लस करके मिलेंगे, तो 10 प्लस 9 इज 19. ओके, नेक्स्ट प्रोटॉन्स, 9 प्रोटॉन्स, दे आर 9 बिकॉज़ दे आर इक्वल टू जेड, तो यहाँ पे 9 लिखा जाएगा. प्रोटॉन्स और इक्वल्स दोनों सेम होते हैं, तो अगर ए 9 है तो वो भी 9 होंगे. एंड व्हाट इज दिस एटॉमिक स्पीशीज?
फ्लोरीन. वेरी गुड, दिस इज फ्लोरीन. चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट इज धीरेन. धीरेन. यस मैम. चलो बताओ बेटा नेक्स्ट वाला. मैम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 16. 16, 32 में से आपने 16 माइनस कर देने हैं, सो यू विल बी गेटिंग 16. नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल 16. दे आर आल्सो 16 एंड 16 एंड दिस एटॉमिक स्पीशीज इज सल्फर. सल्फर. वेरी गुड. ओके नेक्स्ट दिया. यस दिया. यस मैम. मैम एटॉमिक नंबर इज 12. एटॉमिक नंबर इज 12. वेरी गुड. क्योंकि आपको क्या गिवन है, पी पी इज 12, तो ये जेड भी जो है वो 12 होगा. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैम 12. दे विल बी 12. 24 माइनस 12, सो दे विल आल्सो बी 12. अगर प्रोटॉन्स 12 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 12. 12. एंड दिस एटॉमिक स्पीशीज इज मैग्नीशियम. वेरी गुड, दिस इज मैग्नीशियम. क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है. ओके नेक्स्ट अपरन. यस बेटा. यस मैम. मैम एटॉमिक नंबर इज 1. जेड इज 1. 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा. न्यूट्रॉन्स मैम 1. न्यूट्रॉन्स इज 1. ओके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स इज 1. इलेक्ट्रॉन्स भी 1 नहीं होंगे क्योंकि प्रोटॉन्स 1 है. ओके व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? हाइड्रोजन. हां हाइड्रोजन. दिस इज हाइड्रोजन. ओके बट यहां पर ये हाइड्रोजन का एक और नाम है, ड्यूटेरियम एटम है. ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट हम जब आइसोटोप में करेंगे तब बताऊंगी. ठीक है, वैसे हाइड्रोजन ही है बट हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ये. ओके तो अभी इसको यहीं पे रहने देना. ओके व्हेन वी विल बी डूइंग दिस इन आवर नेक्स्ट टॉपिक यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके तो लास्ट वाले दो रहने देते हैं क्योंकि दूसरा हाइड्रोजन का भी आइसोटोप आएगा. ओके ये रहने दो भैया, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप आएगा इसमें भी. ठीक है तो यहाँ तक हमने कर लिए हुए हैं. सो दीज थ्री राइट. तो ऐसे आपको पेपर में इनके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं राइट, फॉर द एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मासेस. अगर किसी को कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क. अदरवाइज वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट टुडे. ओके चलिए उससे पहले रदरफोर्ड की एक वीडियो देख लेते हैं फॉर द कंसेप्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. I'm going to show one video. Just have a look on that video about the apparatus, that how they have managed to do the experiment, right? So visualization hogi ek, to aapko better idea mil jayega uska. I'm going to share the screen now. Okay. So is this clear, beta? You can show the thumb if it is clear. Okay. I'm going to start it now. Less than 100 of wood. The thing wood such as this. Must be used at that
Okay. So have you seen the concept, right? How the Rutherford, he did his experiment and all the fluorescence green gold foil, right? Alpha particle ka source. So aise usne deflections jo thi wo notice ki and observation usne aapko bata di hai. Conclusion mein humne nucleus ki discovery ki thi. Okay. So this is all about the Rutherford scattering experiment. Now next we will be moving to the next topic. Electronic shell arrangement. The next topic is electronic shell arrangement. Electronic arrangement, kehlo, electronic configuration, they both are same. Okay, electronic shell arrangement, electronic configuration, they all are same. Now here in this topic, we will be placing our particular electrons in the K, L, M, N shells, right? From the Bohr concept, we know that the Bohr give the concept of shells, K, L, M, N shells. Yaad hai aapko? Do you remember? Right? These are the fixed shells, fixed orbits, jisme jo electrons hain, wo ghoomte hain. Okay? Now, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो के शेल में आ सकते हैं, कितने एल में, सिमिलरली एम एंड एल में. सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द बोहर बरी रूल. ओके, द बोहर बरी रूल इज द रूल इन विच वी विल बी डिसाइडिंग दैट हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दे कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच शेल. ठीक है, हर एक शेल में, हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैक्सिमम जा सकते हैं, राइट? सो दिस वी विल बी डूइंग इन द बोहर बरी रूल. सो इस रूल के अकॉर्डिंग कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच शेल, हर एक एक शेल में, ईच शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in each shell they will be given by the general formula of 2n square. Okay, agar maine dekhne hai ki kitne mere number of electrons jo hain wo shells mein present honge, so a general formula has been given, that is 2n square, where n is the number of the energy level. Okay, n is the number of energy level. एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल का नंबर है एन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड फॉर द फर्स्ट शेल, अगर मैं फर्स्ट शेल के लिए चेक करना चाहती हूँ, और जो फर्स्ट शेल है वो आपकी कौन सी शेल है, के शेल है. ओके, तो यहाँ पर एन की वैल्यू को वन पुट करो, तो टू एन स्क्वायर में एन की वैल्यू को वन पुट करोगे तो इट विल बी गिविंग यू टू इलेक्ट्रॉन्स. तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, टू. देन एल शेल के लिए अगेन 2n स्क्वायर, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी. तो यहाँ पर जब आप 2 पुट करोगे, 2 2s आ 4, 4 2s आ 8. तो सेकेंड शेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड कर सकते हो, 8. ओके, तो द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट शेल इज 8, राइट? अब थर्ड में देखते हैं, सिमिलरली एम शेल में, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9,
9 2s are 18. तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18 आएंगे. अब नेक्स्ट बताओ, N4 पुट करो और नेक्स्ट बताओ कितने आएंगे N शेल में. फोर फोर 16, 16 2s are 32. ठीक है, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिर वो आएंगे. इज दिस क्लियर? अब देखते हैं कि हमने शेल्स जो हैं वो कैसे बनानी शुरू करनी है फॉर ईच एंड एवरी एटम. तो लेट स्टार्ट विद द हाइड्रोजन. सबसे पहले जो सिंपलेस्ट है एग्जांपल हाइड्रोजन है, ठीक है, विद एटॉमिक नंबर जिसका जेड क्या है, 1 है. जेड 1 है यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट इज हैविंग? इलेक्ट्रॉन 1 है इसमें. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा है, तो दैट मींस आई एम वेरी मच पर्टिकुलर विद द इलेक्ट्रॉन्स. मुझे इलेक्ट्रॉन से मतलब है, मैंने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं. अब आपको पता है बोहर वरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग या बोहर रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सेंटर में आएगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. नाउ सिंस दिस इज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इट विल बी हैविंग ओनली अ सिंगल शेल, के शेल होगी बस. ठीक है, एक शेल ही होगी ना अब इसमें के, क्योंकि हमने मैक्सिमम जो है वो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तक भरने हैं. तो अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन. ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है? हाइड्रोजन की हो जाती है. ओके, सो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है वी विल बी राइटिंग डाउन, राइट. के शेल है, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हमने भरा है. ओके, इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज हैविंग 1 प्रोटॉन. ओके, तो ये सारी चीजें हमने जो है वो इसमें कन्वे करनी होती हैं शेल कॉन्फ़िगरेशंस में, राइट. ओके, सिमिलरली फॉर हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम का जेड नंबर 2 है. इट इज हैविंग प्रोटॉन 2 एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 2. ओके, तो बनाते हैं. अब अगेन इसमें भी एक शेल ही होगी हमारी, इट विल आल्सो बी हैविंग 1 सिंगल शेल, के शेल ही होगी. ओके, बट उस के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2. अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं वो हम आमने सामने बना देंगे. आप ऐसे भी बना सकते हो, आप यहाँ पर ऊपर नीचे भी बना सकते हो, ठीक है, इन एनी वे यू कैन रिप्रेजेंट. अगर आमने सामने बनाओगे तो थोड़ा सा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट जो है वो आ जाता है उनका. ओके, तो जैसे मर्जी आप ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोकेट कर सकते हो. ऑड में सिमेट्रिकल नहीं आता है, बट इवन में आप सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बना सकते हो उनको आसपास शो करके, सीधे सीधे शो करके, ठीक है. अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे शो करूंगी तो डैट विल नॉट लुक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, ठीक है, सिमेट्री एस्टेब्लिश नहीं होती है. बट यस, अगर मैं उसको यहाँ पर बना रही हूँ तो थोड़ा सा सिमेट्रिकल लुक दे रहा है आपको. ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद आता है लिथियम. नाउ लिथियम इज हैविंग प्रोटॉन 3 एंड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो 3. अब आपको पता है कि 3 आ गया है तो 2 से एक्सीड कर गया है ये. तो के शेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? सिर्फ 2. अब 3 की स्प्लिटिंग होगी एज 2 एंड 1, ठीक है. तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम. इसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एल शेल में 1, ठीक है. जब तक एक पर्टिकुलर शेल में जितने आपने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करवाने हैं जब तक वो नहीं होंगे तब तक आपने नेक्स्ट शेल में नहीं जाना है. अब ये देखो, जैसे के शेल, इसमें के शेल में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, अभी भी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन में भर सकती थी, ठीक है. जैसे हीलियम के केस में मैंने यहाँ पे के को 2 लिखा है पहले, मैंने ऐसे नहीं लिखा के 1 एंड एल 1, राइट, ऐसे तो नहीं लिखा ना मैंने. दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग, क्योंकि आपने पहले जो एक पर्टिकुलर शेल है उसको अच्छे से फिल करना है. अच्छे से इन द सेंस कि उसमें मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं आपने पहले उतने भरने हैं. अब के शेल में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं तो मैंने मैक्सिमम 2 तक भरना है पहले उसको. ये नहीं है कि एक भर दिया और एक को नेक्स्ट शेल में शिफ्ट कर देंगे, तो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी रॉन्ग. सिमिलरली हेयर, अब मैं इसमें ऐसे तो नहीं लिख सकती, ठीक है,
क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि के शेल में पहले दो इलेक्ट्रॉन्स जाने ही जाने हैं. ओके, तो आपको के में पहले दो इलेक्ट्रॉन्स भरने पड़ेंगे, रेस्ट जितने रह गए फिर वो आप एल शेल में शिफ्ट करोगे. राइट, अब इसका अरेंजमेंट बनाते हैं लिथियम का. सिमिलरली यू हैव टू डू इट फॉर ऑल द 20 एलिमेंट्स. बेटा आपने सारे 20 एलिमेंट्स के लिए बनाने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. एंड दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड. ओके, तो ये यहाँ पर लिथियम की जो है वो हम कॉन्फिगरेशन बनाएंगे. तो के शेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ लिथियम. लिथियम के बाद आता है बेरिलियम. अगेन अब मैं सारा सारा नहीं लिखूंगी, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द शेल कॉन्फिगरेशंस नाउ. इसकी कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 2-2 बिकॉज दिस इज हैविंग द एटॉमिक नंबर 4. 4 एटॉमिक नंबर है तो दो इलेक्ट्रॉन्स के में जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एल में जाएंगे. तो यहाँ पर मैंने ये दो के में बनाए हैं. ओके, एंड आई एम मेकिंग दीज टू हेयर इन द एल. राइट, सिमिलरली आई कैन ड्रॉ फॉर द बोरोन. आप भी बनाओ बेटा सारे अब साथ साथ में. Similarly for the boron, boron is having atomic number 5 with the shell configuration of 2-3. Okay, so first shell में आपके दो electrons हैं, second shell में 1, 2 and 3, कहीं पर भी बना सकते हो आप. Right, boron 5 है, उसके बाद carbon आ जाएगा 6 with a configuration of 2-4, right? 1-2-3, right? So ये shells बना दी हैं मैंने यहाँ पर. So first shell में 2 electrons, second shell में 4 electrons. तो ऐसे carbon की representation है. Carbon के बाद next आता है, हाँ जी, 7 पे क्या है? यस, व्हाट इज ऑन द 7? यस रमनी, नाइट्रोजन. वेरी गुड, 7 पे है नाइट्रोजन, यानी कि अब हम नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे. राइट, नाइट्रोजन विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ मेनी प्रोटॉन्स? जसलीन, सेवन इलेक्ट्रॉन्स एंड सेवन प्रोटॉन्स. वेरी गुड, 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 प्रोटॉन्स. ठीक है, तो हम 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 and 5. अब L तक हमने मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं. ठीक है, तो टिल 8 वी विल बी फिलिंग आर इलेक्ट्रॉन्स इन द L शेल. तो ये देखो, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 5. 1, 2, 3, 4, 5. यू कैन सी, मैं थोड़ा सा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट की फॉर्म में बना रही हूँ. देखो यहाँ पर इवन थे तो 2 सामने हैं, 2 इधर हैं. ठीक है, तो ये आपके बन गए हैं 4. 5 भी हम ऐसे बनाएंगे, ये देखो 2 सामने हैं, 2 इधर सामने, 1 आप कहीं पर भी लगा सकते हो. ओके, देन फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर है 8, 2 and 6. Again, we will be drawing 2 electrons in the K shell and 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5. अगर मैंने यहाँ पे बनाया तो इसके सामने मैं 6 बना देती हूँ. Okay? अगर मैंने 5 वहाँ पर बनाया तो उसके सामने मैंने 6 बना दिया. Okay? This is how we are going to locate these 8 electrons. Similarly, for the fluorine, fluorine का number 9 है. So K shell and L shell, here we will be having 2 and 7. ठीक है, अभी भी L shell में 7 गए हैं, एक और हमारा L shell में जा सकता है इसके बाद भी. So here we are drawing 2 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ठीक है, तो ये देखो मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं इसमें.
ओके हाँ जी क्लियर हुआ बेटा। इसके बाद आता है नियॉन, नियॉन विद एटॉमिक नंबर 10। तो के और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 2 and 8। ओके तो हेयर आई विल बी मेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो ये इसमें मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं। ठीक है तो ये मैंने फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के लिए बनाए हैं। नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स का आपका होमवर्क है, बना लोगे? हाँ जी। नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स में अभी जैसे मैंने 2 शेल्स कवर की हैं, तो जब आप नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स तक जाओगे, ओके, व्हेन यू मूव टू द नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स यू विल बी कवरिंग 2 more shells, के एल एम और एन शेल भी बनाओगे। ठीक है राइट तो रैंडमली मैं आपको बना के दिखा देती हूँ एक आधे एलिमेंट्स का, बाकी आपने ऐसे ही कवर करने हैं। अब जैसे मैंने आपको 10 तक बना दिए, 13 का बनाते हैं एक, ओके 10 के बाद 11, 12 आपका होमवर्क है, मैं 13 का बनाऊंगी। 13 इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है ओके उसकी कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं। तो इट विल स्प्लिट लाइक 2, 8 and 3, ऐसे स्प्लिट होगा। फर्स्ट शेल में 2 जाएंगे, सेकेंड शेल में 8 जाएंगे और थर्ड शेल में 3 जाएंगे। ओके तो एल्यूमिनियम की कॉन्फिगरेशन ये हो जाएगी। अब बना देनी है हमने, ठीक है। तो आप देखते हो शेल्स जो है वो और भी बड़ी होती जाएंगी साथ साथ में। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 and 3 कहीं पर। ओके सो दिस इज फॉर द एल्यूमिनियम राइट। सिमिलरली इफ आई वॉन्ट टू मेक फॉर द लेट से सल्फर के लिए बना लेते हैं 16, ठीक है। नेक्स्ट सल्फर के लिए बनाते हैं, तो बीच वाले 2 फिर आपके होमवर्क हैं, 14, 15। ओके 16 इज सल्फर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2, 8 and 6। तो न्यूक्लियस 1, 2nd shell and 3rd shell। ओके तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ठीक है ये 8 हो गए, उसके बाद हमने 6 बनाने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6। So this is how we are going to draw for the sulfur. ठीक है सल्फर के बाद आपको पोटेशियम बना लेते हैं हम। अगेन 17, 18 योर होमवर्क, ठीक है। 19 बनवाती हूँ मैं पोटेशियम का, जैसे पोटेशियम का सिंबल होता है के, सो दैट इज 19। ओके एल शेल में 2, 8, ठीक है बेटा। अभी इसमें एम शेल में भी आपके मैक्सिमम यहां तक 8 इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे राइट, अगेन 8। यहां पर सब शेल्स का कंसेप्ट आ जाता है, तो वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आपने यही देखना है कि अगेन मैंने क्या लिखना है, मैंने 8 ही लिखना है यहाँ पर। ओके एंड वी आर लेफ्ट विद 1 more electron, तो 2, 8, 8, 1, 8, 8, 16, 17, 18 and 19 राइट। सो दिस इज हाउ आई विल बी ड्रॉइंग फॉर द पोटेशियम। तो 2 यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, अगेन 1, 2, 3,
four, five, six, seven and eight. ठीक है, देखो मैंने उसी के आगे आगे ही जो है वो कंटिन्यू कर दी है, ऐसा थोड़ा सिमेट्रिकल व्यू देता है वो. ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख देती राइट, तो इट विल बी लुक ऑड. अभी जैसे हम लिख रहे हैं डेट इज एक्चुअली गिविंग अ मोर सिमेट्रिकल व्यू टू दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ठीक है, तो बहुत ज्यादा गंदा हमने ये डायग्राम्स नहीं बनाने होते. सो इन द एन शेल आई विल बी ड्रॉइंग वन मोर इलेक्ट्रॉन. ओके, तो दिस इज द के शेल, this is the L shell, M and N. ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो है जो मैंने नहीं बनाए हैं बीच वाले वो सारे आपने होमवर्क है आपके लिए, सो यू विल बी ड्रॉइंग दैट एंड नेक्स्ट वी विल कॉन्टिन्यू टुमारो. ओके, चलिए.